नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सऊदी अरब देगा भारत का साथ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में कही बात। खुफिया जानकारी साझा करने पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच निवेश, पर्यटन और आवास समेत 5 क्षेत्रों में हुए समझौते। मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है भारत। बेंगलुरु में एयरो शो के उद्घाटन के मौके पर बोली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, एयरो स्पेस क्षेत्र में कंपनियों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प। शो के उद्घाटन पर राफेल और तेजस समेत कई लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को दी राहत। अब 22 फरवरी तक व्यापारी भर सकेंगे। जनवरी के लिए सेल्स रिटर्न, रियल एस्टेट और लॉटरी पर टैक्स रेट में कटौती का 24 फरवरी तक टला फैसला। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का बड़ा कदम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। 2022 तक देश के 9 लाख स्कूल कॉलेजों में डिजिटल बोर्ड का लक्ष्य। और दुनिया भर में बढ़ी भारतीय पासपोर्ट की ताकत। सालाना ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंकिंग में भारत का 67वां स्थान। पिछले 5 साल में रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार। पर आइए देखते हैं पहली खबर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि भारत ने मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो देशी विदेशी कंपनियों के लिए निवेश के बेहतर विकल्प लेकर आ रहा है। 5 दिन के एयरो इंडिया शो में तेजस, ध्रुव और रुद्र जैसे स्वदेशी विमान और हेलीकॉप्टर ने अपनी क्षमता दिखाई। साथ ही फ्रेंच लड़ाकू विमान राफेल और अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। बेंगलुरु में येलहंका एयरपोर्ट पर विमानों के इस करतब को देखने देश दुनिया से लोग यहां आए हुए हैं। राफेल के अलावा सुखोई और स्वदेशी तेजस जैसे दूसरे फाइटर जेट और सारंग हेलीकॉप्टर के करतब लोगों में गजब का जोश भर रहे हैं। तेजस के साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र और हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का भी एयर शो के पहले दिन प्रदर्शन हुआ। भारत में बनने वाले रूसी लड़ाकू विमान सुखोई M-30K-I ने अपनी 4th जनरेशन पावर का प्रदर्शन किया। इसके अलावा शो में फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल और अमेरिकी विमान F-16 ने भी अपने जौहर दिखाए। एयरो शो का शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण के लिए एक बड़ा बाजार है। उन्होंने निवेशकों को एरोस्पेस और अन्य क्षेत्र में निवेश करने का न्योता दिया, जिससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में विनिर्माण में मदद मिल सके। डिफेंस मिनिस्ट्री इंश्योरिंग दैट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स आर गिवन टू इंडियन वेंडर्स हु ईदर विद देयर ओन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद अ कंपनी द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हियर। यू हैव एन अश्योर्ड मार्केट, यू हैव एन अश्योर्ड इन फैक्ट अ कैप्टिव बायर in the Indian Armed Forces, and therefore it is possible for you to achieve the dream of making India. रक्षा मंत्री ने कहा कि एरोशो ने भारतीय रक्षा क्षेत्र की मजबूती को स्थापित किया है, जिसके जरिए भारत अब रक्षा उत्पादों के आयातक की बजाय निर्यातक की भूमिका में आ रहा है। These achievements are possible due to focused defense export policy, which includes schemes for promotion of defense exports, export promotion body, online portal, and also the process of granting no objection certificates
फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स बीइंग सिंप्लीफाइड। रक्षा मंत्री ने इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इसमें HAL, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नामी कंपनियों के साथ करीब 400 सरकारी और निजी रक्षा कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। एशिया के इस सबसे बड़े एयर शो में अब तक ज्यादा संख्या में विमानों की भागीदारी है। इसमें एयरबस 330 नियो भी शामिल है। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और इसराइल समेत कई देशों की करीब 200 विदेशी कंपनियों ने भी यहां स्टॉल लगाए हैं। 2 साल में एक बार होने वाला ये एयर शो देशी विदेशी एविएशन कंपनियों के लिए बड़ा बाजार भी मुहैया कराता है। 5 दिन तक चलने वाले इस एयर शो के दौरान कई सेमिनार, CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और स्टार्टअप के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर 100% विदेशी निवेश के रास्ते से यहां पूंजी का निवेश कर सकती हैं और बेहतर व्यापार भी कर सकती हैं, जिससे दोनों तरफ का फायदा है। भारत में जहां पर तकनीक विकसित होगी वहीं विदेशी कंपनियों को व्यापार भी मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जोर वो स्वदेशी पर रहा, जिससे कि भारत का रक्षा क्षेत्र और मजबूत हो सके। बेंगलुरु के यलहंका से प्रशांता के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा TV। और आइए सीधा रुक कर लेते हैं बेंगलुरु का, जहां पंचानंद मिश्रा मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। पंचानंद, सीधा आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज फोकस किन बातों पर था और क्या खासियत रही आज एयर शो की? देखिए अभिलाषा, एयर शो यहां पर शुरू हुआ, 5 दिनों का एयर शो है, आज इसका पहला दिन था। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री और तमाम अधिकारी HAL के हों या DRDO के हों, वो सब मौजूद थे और इसका शुभारंभ हुआ। एशिया का ये सबसे बड़ा जो है रक्षा क्षेत्र का जो एयरो शो है ये माना जाता है, और इसका जो फोकस है वो इस बार का ये रखा गया है कि स्वदेशी जो रक्षा क्षेत्र का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि भारत अब एक्सपोर्ट के रास्ते पर भी आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमको जैसा पता है कि NDA की सरकार आने के बाद मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चला उसको रक्षा क्षेत्र में भी इसको रखा गया और उस रक्षा क्षेत्र ने उसको अपनाया भी, और उसके जरिए मेक इन इंडिया के जरिए चाहे HAL हो या DRDO हो या फिर तमाम और कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दिया गया, और जिससे कि वो हवाई जहाज से लेकर चाहे वो टैंक हो चाहे वो नेवल का साजो सामान हो या मिसाइलें हो, उनको बनाने का एक कौशल उनके पास हासिल हो सके। स्किल इंडिया को इसमें अपनाया गया, मेक इन इंडिया को इसमें अपनाया गया, स्टार्टअप की जो नई तकनीकें हैं वो इसमें अपनाई गई। तो इस पूरा जो फोकस है वो स्वदेशी तकनीक पर आधारित और स्वदेशी जो हमारी जो कौशल है उस पर आधारित रक्षा क्षेत्र को विकसित करना है, ये इस पूरे उसका कौशल एक फोकस दिखाई दिया। और रक्षा मंत्री ने यहाँ पर साफ भी कहा कि FDI में चाहे वो देशी कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां हो वो 49% जो उसका ऑटोमेटिक रूट है और बाकी सरकारी रूट से 100% तक वो आ सकती हैं, और यहाँ निवेश करके रक्षा क्षेत्र से ज्यादा फायदा भी ले सकती हैं और भारत को उसका फायदा भी मिल सकता है। तो दो तरफा फायदे की उन्होंने बात की, और जो जैसा मैंने कहा कि फोकस के जो रखा जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भरता को रखा जा रहा है, उसका रास्ता स्वदेशीकरण है। बिल्कुल पंचानन, और अगले 5 दिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या खास देखने को मिलेगा एयरो इंडिया शो में? देखिए एयर इंडिया शो में अलग अलग यहाँ पर सेमिनार्स होते रहते हैं, जो कंपनियां यहाँ पर बड़ी कंपनियां हैं उनके आपस में डील्स भी होती हैं, जैसा कि हमने आज ही देखा कि किस तरह से तेजस को एक फाइनल क्लियरेंस मिला है, जो कि अब वो एक लड़ाकू विमान पूरी तरह से बना है, उसको DRDO ने हैंडओवर किया है FOC HAL को। इसी तरह से यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं चाहे वो रिलायंस हो या महिंद्रा हो या टाटा हो, जो कि रक्षा क्षेत्र में हैं, और जो विदेशी कंपनियां हो, जैसे हमने देखा आज हमने कई स्टॉल्स का दौरा भी किया, चाहे उसमें रोल्स रॉयस हो, बोइंग हो या फिर एयरबस हो या लॉकहीड मार्टिन हो, इन सब ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो आपस में इनकी बातचीत भी चलती रहती है कि किस तरह भारत का जो रक्षा क्षेत्र है, भारत की जो जरूरतें हैं, जो सरकार ने जारी किया है कि लड़ाकू विमान चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर चाहिए या फिर तमाम रक्षा साजो सामान चाहिए, उसके लिए उनकी लॉबिंग रहती है, और वो कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट भारत का जो निजी रक्षा क्षेत्र है उसके साथ मिलकर इन जरूरतों को पूरा कर सके। और इसका ये एक बड़ा जरिया भी है रक्षा क्षेत्र को में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, साथ ही निवेश को लाने के लिए। तो एक अपने आप में एक बड़ा मौका होता है, चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो या फिर एयरो इंडिया का शो हो, ये अपने आप में एक बड़ा मौका होता है जो भारत के जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूत बनाने का। अभिलाषा, चलिए पंचानंद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया कि इस बार स्वदेशी पर जोर है और अगले 5 दिनों में भी कई कार्यक्रम हैं जिस पर हमारी खास नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।
तो बेंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया 2019 शो में पहुंचे राफेल बनाने वाली कंपनी द सॉल्ट कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैम्पियर ने कहा कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ। भारत को हमें 36 विमान देने हैं और इसकी आपूर्ति हम करेंगे। अगर भारत को और भी विमान चाहिए तो हमें इसकी भी आपूर्ति करने में खुशी होगी। पहला राफेल विमान इसी साल सितंबर में भारत पहुंचेगा, जिसके बाद हर महीने एक विमान भारत को दिया जाएगा। इस लिहाज से 36 महीने में 36 विमानों की आपूर्ति होगी। In my evaluation, we made a rebate of about 9% compared to the original price. The CAG said 2.8%. Well, it's good. I mean, it shows that the price is better with the 36 aircraft compared with before. What the Supreme Court said is in a certain way that this deal is totally transparent and clean, which I have always said in front of my customers. So I am pleased that these two, CAG and Supreme Court, made their declaration. यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन स्थित जयपुर स्तंभ, 145 फीट ऊंचा ये टावर ब्रिटिश वायसराय को जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधव सिंह की भेंट। स्तंभ का ऊपरी हिस्सा कांच से बने षटकोणीय सितारे और कांस्य कमल से सुसज्जित। स्तंभ के भीतर लगी 5 टन वजनी शैफ्ट से ये कमल घूमता है 6 इंच वृत्ताकार, और ये प्रक्रिया दोहराई जाती है हर 3 सेकंड बाद बार बार। सऊदी अरब ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में ये बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का निश्चय किया है। आज दोनों देशों के बीच नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश, पर्यटन, आवास, सूचना और प्रसारण के क्षेत्रों में समझौते हुए। सऊदी अरब ने आने वाले सालों में भारत में $100 बिलियन का निवेश की पेशकश की है। भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसके बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सऊदी अरब के शामिल होने का स्वागत किया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से वाटर डिसेलिनेशन और स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेषकर अपने स्ट्रेटेजिक वातावरण के संदर्भ में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमला मानवता पर हमले की क्रूर निशानी और दुनिया पर आतंकवाद के खतरे का उदाहरण है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर हर संभव दबाव बनाने की जरूरत है। हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों
और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद दोनों देशों की चिंताएं हैं, इसके लिए भारत के साथ वो सभी मोर्चों पर सहयोग करेंगे। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है। سواء في مجال الاستخبارات او السياسي لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطه بنا وجميع الدول المحيطه بالهند للتقارب ولعب دور افضل لبناء مستقبل جيد مستقبل مميز واكثر امانا للمساهمه بنهوض دولنا. इस मौके पर दोनों देशों के बीच ऊर्जा, पर्यटन, आवास समेत विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच प्रसारण को साझा करने पर भी समझौता हुआ है। भारत में प्रसार भारती और सऊदी अरब के सरकारी प्रसारण के बीच डील हुई है ताकि दोनों देशों के बीच पारंपरिक और सांस्कृतिक समझ पैदा हो। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में सुबह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पारंपरिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर आपसी और रणनीतिक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय कारोबार 2017-18 में 27 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कच्चे तेल के संबंध में करीब 20% जरूरतों की आपूर्ति करता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और वही अपनी दूसरी दक्षिण कोरिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनकी इस यात्रा की वजह दोनों देशों की भागीदारी और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है, दोनों देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। दक्षिण कोरिया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और क्लीन इंडिया जैसे अभियान में सहयोगी है। साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध को भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है, जो शांति और लोगों की समृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनकी यात्रा के दौरान वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के अलावा उद्योगपतियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे और कई मायनों में अहम इस दौरे में रणनीतिक और व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दक्षिण कोरिया दौरे पर गुरुवार को राजधानी सियोल पहुंचेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री भारत कोरिया बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारत कोरिया स्टार्टअप हब को लॉन्च करने के अलावा योनसेई यूनिवर्सिटी में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री का सियोल में राष्ट्रीय कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। Though it will be a very short visit, barely 30 hours, but there is a packed program with a number of engagements scheduled with the Korean leadership, businesses and other stakeholders. The two leaders will make brief remarks to the media following their meeting. Prime Minister will then be hosted to an official banquet in the Blue House by President Moon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता में आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत के अहम बिंदु होंगे। इसी के साथ कोरिया प्रायद्वीप मसले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर बातचीत के अलावा अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। Environment is, as I said, that is much better than before, and also more transparent. GST, I think that the Korean companies think GST is a revolution. Your defense industry high-ranking officials will visit Korea soon after Prime Minister Modi's visit. Then they will talk with the
big companies like POSCO and Hyundai Steel. दक्षिण कोरिया इसरो के सहयोग से अपना उपग्रह विकसित करना चाहता है, साथ ही रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सहयोग बढ़ाने का भी इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 4 सालों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच काफी अच्छे संबंध विकसित हुए हैं और रणनीतिक मामलों पर भी एकजुटता बन रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में कई अन्य क्षेत्रों में और कितने अन्य क्षेत्रों में ये संबंध विकसित होते हैं, क्योंकि भारत के बीच संभावना वो है कि चीन का भी वो विकल्प बन सकता है, खास करके आर्थिक और निवेश के मामले में। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीति निर्माताओं से कहा है कि वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर व्यवहारिक औद्योगिक योजना लेकर आएं। उन्होंने आज दिल्ली में ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में ये बात कही। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी की बुधवार को दिल्ली में शुरुआत हुई। इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि तेजी से हो रही तकनीकी विकास के इस युग में ऊर्जा और पर्यावरण दोनों ही चिंता के विषय हैं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को इस बारे में व्यापक चर्चा की सलाह दी। I would advise this August gathering to deliberate on development of eco-friendly technologies for green mining. It is important for producers and consumers of conventional energy to evolve more efficient and cleaner processes to ensure environment friendly use of natural resources. राष्ट्रपति ने पेरिस समझौते के तहत भारत के 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य का जिक्र किया और नीति निर्माताओं से पर्यावरण से जुड़े विषयों पर कार्य योजना बनाने की बात कही। Producers and consumers of conventional energy to evolve more efficient and cleaner processes to ensure environment-friendly use of natural resources. In India, the government is committed to provide power to all citizens at affordable cost, as well as boost the national economy through an industrial revolution in tune with Industry 4.0. Therefore, I urge this gathering to come up with actionable ideas on environmental issues related to use of fossil fuels and viable alternatives. इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि वही स्थायी ऊर्जा का भविष्य है। This international conference is being organized by the CSIR Central Institute of Mining and Fuel Research to provide a platform to the international community to deliberate and disseminate on various issues related to the subject and also discuss several research and development opportunities and pathways that could lead to a prosperous, sustainable and secure energy future for the world. Both the energy and environment sectors today are at a critical juncture. We have already boosted the research and development in these sectors by doubling the expenditure in last 4 years. 3 दिन के इस सेमिनार में कई विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पारंपरिक ऊर्जा तकनीक, नवीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा भंडारण, खनन प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के क्लासरूम को डिजिटल बनाने के लिए आज से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया। इसके तहत देश भर के 9 लाख क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड जल्द ही बीते दिन की बात हो जाएगी। उनकी जगह क्लासरूम में चमचमाते डिजिटल बोर्ड नजर आएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के 7 लाख और उच्च शिक्षा के 2 लाख क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। डिजिटल बोर्ड आज भी अनेक संस्थाओं में है, तो जहां नहीं है वहां वो लगाएंगे,
और उसमें कंटेंट मुख्य विषय जो है सभी और जिसका स्पष्टीकरण फिल्म के द्वारा अच्छे लेक्चर्स के द्वारा अच्छे ट्यूटोरियल्स के द्वारा अच्छे कंपटीशन और गेम्स के द्वारा उन संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है वो ये डिजिटल बोर्ड काम करेगा। सरकार के मुताबिक 9 लाख क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड लगाने में 7 से 10 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना का 60% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी तो वहीं राज्य सरकार की 40% की हिस्सेदारी होगी। डिजिटल बोर्ड में देश का कोई नामी प्रोफेसर उसमें लेक्चर भी देंगे, टिप्स देंगे, लेकिन जो वहां क्लास में टीचर है वो भी, क्योंकि स्टूडेंट चर्चा करेंगे वो सब सुनने के बाद, मटेरियल भी होगा, ट्यूटोरियल भी होगा, और स्टूडेंट चर्चा करेंगे, उनके सवालों के जवाब क्लास टीचर्स देंगे। तो ये एक फ्लिप क्लास मॉडल के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 80 के दशक के आखिर में स्कूलों और कॉलेजों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया गया था। अब डिजिटल शिक्षा के लक्ष्य के साथ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को 2022 तक पूरा करने की योजना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक में भारत ने पिछले 5 साल में 10 पायदान की छलांग लगाई है। 2019 के लिए जारी नवीनतम पासपोर्ट पावर रैंक में कुल 199 देशों की रैंकिंग में भारत का रैंक 67 है। 2015 में भारतीय पासपोर्ट को 77वीं रैंक हासिल हुई थी। 2018 में भारत इस रैंकिंग में 68वें स्थान पर था। 2019 के आंकड़ों से ये विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय पासपोर्ट पर पूरी दुनिया में एंट्री लेना पहले से ज्यादा आसान हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।